प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 20 का 24 से 29 वचन लेकर आई हूँ, यीशु का थोमा पर प्रकट होना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मर के जी उठने के पश्चात अपने चेलों पर प्रकट हुए थे। वह सप्ताह का पहला दिन था। उसी दिन प्रभु ने शाम के समय अपने चेलों पर खुद को प्रकट किया था तथा उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपने हाथ व पंजर भी दिखाए जिसमें छेद अभी भी थे, और उन सब ने प्रभु पर विश्वास भी किया कि वह जी उठे हैं। अर्थात यह है कि उन्हें प्रभु को देखकर कोई भी भ्रम नहीं हुआ कि यह कोई भूत है या उनका कोई वहम है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ वहाँ। परंतु उन 12 चेलों में से एक चेला था थोमा, जो दिदुमुस भी कहलाता था। जब प्रभु यीशु वहाँ आए तो वह उन चेलों के साथ ना था, अर्थात वहाँ 12 नहीं वरन 11 ही चेले मौजूद थे जिन्होंने यीशु को देखा था। परंतु जब बाकी चेले थोमा से मिले तो उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। तब थोमा ने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूँ और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि थोमा ने जब तक प्रभु यीशु को अपनी आंखों से देख नहीं लिया, तब तक बाकी चेलों के बताए जाने पर भी उसने प्रभु के जी उठने का विश्वास नहीं किया, जबकि वह प्रभु यीशु के व बाकी चेलों के साथ साथ चलता था और जानता भी था प्रभु के वायदों व वचनों के आधार पर कि प्रभु मर के तीसरे दिन जी उठेंगे। और जब बाकी चेले भी उसे बता रहे थे कि उन्होंने प्रभु को देखा है, तब भी उसने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ समझे आप कि यहाँ थोमा की दशा कैसी है। थोमा की ही तरह कभी कभी हम मसीह भी अविश्वास में आ जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब कभी हम पर कोई संकट आता है, हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और जानते भी हैं भली प्रकार प्रभु को, और फिर भी जब हमारे और मसीह भाई बहन या हमारे चर्च के अगुए हमें प्रभु के हमारे साथ होने का दिलासा देते हैं या अपनी गवाहियां हमारे साथ शेयर करते हैं, तब भी हम उस समय अविश्वास में ही बने रहते हैं, यह सोचकर कि जब तक प्रभु मेरे जीवन में ये काम ना कर दे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। बिल्कुल थोमा की ही तरह, जबकि वो भी प्रभु के व बाकी चेलों के साथ साथ रहता था, परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान भी उसे पता था, तब भी जब तक उसने अपनी आंखों से प्रभु को ना देखा, तब तक विश्वास नहीं किया, जबकि बाकी चेलों ने उसे बताया कि उन्होंने परमेश्वर को जीवित देखा है। तब आगे जब 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे, तब थोमा भी उनके साथ ही था और द्वार भी बंद थे। तब फिर से वहाँ प्रभु यीशु आए और उनके बीच में आकर खड़े हो गए, और फिर प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब उस घड़ी प्रभु ने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। यहाँ देखें आप कि किस प्रकार प्रभु ने थोमा के अविश्वास का उपाय किया। प्रभु जानते थे कि थोमा थोड़ा विश्वास में डगमगा गया है, इसीलिए प्रभु फिर थोमा पर प्रकट हुए तथा उसे अपने हाथों के छेद तथा पंजर के छेदों को भी दिखाया, जैसा थोमा ने कहा भी था कि जब तक उसके हाथों के व पंजर के छेदों को ना देख लूँ, मैं विश्वास ना करूँगा। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि थोमा ने जैसा विश्वास करना चाहा था, वैसा ही विश्वास प्रभु ने उस पर जाहिर किया, अपने हथेलियों के व पंजर के छेदों को दिखाकर। मेरे प्रियो, ये हाथों के छेद वही हैं
जिसके लिए प्रभु ने पवित्र शास्त्र में भी कहा है कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। और भाइयों बहनों, बाइबल यह भी दर्शाती है कि प्रभु के हाथों के यह छेद स्वर्ग में भी नहीं भरे गए, जिससे हम जान पाए जब प्रभु से मिले कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। और प्रभु को भी यह स्मरण है कि प्रभु ने हमारे गुनाहों के लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाए हैं और वह आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। यह वही छेद थे जो प्रभु ने आज थोमा के शब्दों के अनुसार ही उस पर प्रकट किए। यहाँ यह साबित होता है, एक तो यह कि जब हम जिस बात में भी अपने विश्वास में गिरते हैं, प्रभु फिर से हमें उसी बात में उठाकर विश्वासी बनाता है। जैसे थोमा ने उसके हाथों के छेदों में उंगली डालने को कहा, तो प्रभु ने थोमा को अपनी हथेलियों व पंजर के छेदों को ही स्पेशली दिखाया, जिससे वह अपनी उसी बात को जांच कर फिर से विश्वास करे जिसमें वह गिरा था। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी किसी एक ही परिस्थिति में गिरकर अविश्वासी बन जाते हैं, चाहे फिर प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया हो, परंतु हम किसी भी एक बात से अपने विश्वास को गिरा देते हैं। परंतु ध्यान दें कि परमेश्वर दयालु है, वह अपने लोगों को अविश्वास में गिरने नहीं देता, वह उनके अविश्वास का स्वयं ही उपाय उसी परिस्थिति में करता है जिसमें वह अविश्वासी होते हैं। जैसे प्रभु ने अपने हाथों के छेदों को थोमा पर प्रकट कर उसके अविश्वास का भी इलाज किया, उसे प्रभु ने अविश्वासी जानकर छोड़ नहीं दिया कि ये विश्वास नहीं करता तो ना करे, बाकी तो करते हैं। नहीं, प्रभु के लिए अपने सभी लोग बहुमूल्य हैं, वह सबसे एक समान प्रेम करता है, वह किसी को भी खोना नहीं चाहता, वरन गिरतों को संभालता भी है उनके अविश्वास का उपाय करके, जैसे प्रभु ने उस घड़ी थोमा का भी उपाय किया जब प्रभु ने उससे कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तब यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अर्थात उस घड़ी फिर थोमा ने प्रभु को पहचाना कि वे सच में मुर्दों में से जी उठकर उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। तब प्रभु यीशु ने थोमा से कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ प्रभु थोमा से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह लोग धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। जैसे हम सब मसीह जिन्होंने प्रभु को शारीरिक रूप में देखे बिना विश्वास किया है कि वही एकमात्र सच्चा व जीवित परमेश्वर है, जो आज भी जीवित है, हमारे बोझों को उठाने के योग्य है, हमारे संकटों को दूर करने के योग्य है, तथा हमें चंगा करने के भी योग्य है। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु हमें धन्य विश्वासी कहता है। बस हमें अपने विश्वास को प्रभु पर मजबूत रखना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए, जबकि उसने हमें कहा भी है कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। तो परिस्थितियों में, निर्बलताओं में अपने विश्वास को टूटने ना दें। जब आपके साथ साथ रहने वाले अन्य विश्वासी भाई बहन और आपके चर्च के लीडर आपको प्रभु के विश्वास के विषय सिखाएं, दिलासा दें या अपनी गवाही आपको बताएं, तो आपको उन पर भी विश्वास करना चाहिए कि वे प्रभु के नाम से आपसे सत्य ही कह रहे हैं, ना कि यह कि आप उन्हें बोले कि जब तक मेरे जीवन में प्रभु वैसा ही ना करे जैसा तुम्हारे जीवन में किया है, तब तक मैं विश्वास ना करूँगा। नहीं, यह एक गलत विचारधारा है। हम परमेश्वर का चुना हुआ समाज है, प्रभु सदा हमारे संग संग है। वह नहीं चाहता कि हम चिन्हों को देखकर उस पर विश्वास को मजबूत करें, वह तो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु पर अपना विश्वास मजबूत बनाए रखें, तभी वह हमें अपने धन्य विश्वासी कहेगा। और प्रभु फिर भी बहुत दयालु है, यदि हम विश्वास में गिरते भी हैं तब भी वह हमें छोड़ नहीं देता, वरन हमारे अविश्वास का भी इलाज करता है, चाहे उसके लिए वह खुद को किसी भी प्रकार से हम पर जाहिर करे। वह हमें अविश्वास में ही नहीं छोड़ देता। प्रभु दयावंत तथा कृपालु और हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। हमें सदा अपने विश्वास को उस पर मजबूत रखना चाहिए, किसी भी संकट की घड़ी में अपने विश्वास का
प्रभु से सबूत नहीं मांगना चाहिए कि यदि तू ऐसा करके दिखाए तभी हम तुझ पर विश्वास करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक समान है, वह कभी बदलता नहीं। बस चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत बने रहें और अविश्वासी नहीं वरन सच्चे विश्वासी बने, जो चिन्हों पर नहीं परंतु प्रभु के नाम पर उसके वायदों पर विश्वास रखें कि जो उसने कहा है वह अवश्य पूरा करेगा अपने समयों के आधार पर। और प्रभु पूरा करता भी है, वे सच्चा परमेश्वर है, झूठा नहीं जो वायदा करके भूल जाए। जैसे प्रभु ने जी उठने के विषय चेलों को बताया था तथा वह जी उठकर ही उन्हें मिला भी, और थोमा ने बिना देखे विश्वास न किया, अर्थात थोमा उसके वायदों को उस घड़ी भूल गया था, परंतु बाद में देखकर प्रभु को पहचान गया और विश्वास भी किया। और यह भी जाने कि फिर यही थोमा ही वह चेला था जो भारत में प्रभु के सुसमाचार को सर्वप्रथम भारत में लेकर आया था। आज भारत में यीशु को थोमा के सुसमाचार के द्वारा ही लोग पहचानते हैं। ऐसे प्रभु के चेलों के अविश्वास का उपाय करके प्रभु ने उन्हें जगत में अपनी योजनाओं के अनुसार चलाया। तो आप भी जांचे खुद को कि हमारा भी तो विश्वास कहीं थोमा जैसा नहीं है कि हम भी जब तक चिन्हों को ना देख ले तब तक विश्वास नहीं लाते, चाहे कोई कितना भी हमें विश्वास दिलाए। तो ध्यान दें कि प्रभु आज आपसे भी कहता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने। और प्रभु आज आपके भी अविश्वास का उपाय करने आता है, जिससे आपके विषय बनाई गई प्रभु की योजना को वह आपके ही द्वारा पूरा कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु दयालु है, वह आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वरन आपके अविश्वास का आप ही उपाय करेगा, क्योंकि आप भी प्रभु के लिए बाकी चेलों की ही तरह बहुमूल्य हैं। वह आपसे प्रेम करता है, इसीलिए चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ बनते जाएं तथा चिन्हों के पीछे नहीं वरन यीशु के नाम व उसके वायदों को स्मरण रखकर सदा उसकी अगुवाई में चलें। तो आप ही फिर आपके जीवन में व आपके द्वारा भी चिन्ह खुद ब खुद प्रकट होते जाएंगे, जैसे थोमा भारत का पहला सुसमाचारक बना प्रभु यीशु के लिए। चिन्ह चमत्कार तो प्रभु बहुत से दिखा सकते हैं, जैसे उन्होंने आगे के अध्यायों में चेलों पर भी खुद को कई स्थानों पर प्रकट किया, परंतु वह चाहता है कि हम ऐसे धन्य विश्वासी कहलाएं, जैसे प्रभु ने कहा भी कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से आप सीखें कि आपका विश्वास थोमा जैसा ना हो, वरन आप विश्वास में मजबूत रहे। यदि परमेश्वर आपके सामने कभी किन्हीं चिन्हों को प्रकट ना भी करे, तब भी आप परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और सदा उसके वायदों को स्मरण रखें कि जो उसने पवित्र शास्त्र के अनुसार आपसे वायदे किए हैं वह अपने समय पर उनको अवश्य पूरा करेगा। आप अपने विश्वास को सदा थामे रहें, कमज़ोर ना करें और ना ही अपने विश्वास के लिए प्रभु से सबूतों को मांगें। ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा करके हम प्रभु के दिल को दिखाते हैं। हमें प्रभु के किए हुए वायदों को सदा स्मरण रखकर उसके एक एक वचन पर अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना है और उसके आने तक अपने विश्वास को थामे रखना है। इसी प्रकार प्रभु हमारे द्वारा अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा बढ़ता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।